हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जो टॉपिक मैंने लास्ट टाइम में छोड़ा था वो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट। मेरे चैनल पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट मिलेगा। जो 10th लेवल तक का था उसमें मैंने बेसिक से लेके फॉर्मूलास कैसे बनते हैं वो सारा कुछ बताया मैंने उसके अंदर। बेसिक से ही हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, 10th क्लास, प्लस वन, प्लस टू, उस चैप्टर से हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज मेरी एक नई कोशिश है कि मैं प्लस वन को आगे इसके अंदर जोड़ रहा हूं, ये चीज भी काम आती है। तो कुछ चीजें मैं पहले बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जैसे कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है 91 से लेकर 180 डिग्री होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है 181 डिग्री से 270 डिग्री होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 271 डिग्री से 360 डिग्री तक जाता है। एंटी क्लॉक वाइज हम इसको लर्न करते हैं। इसके अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, यानी कि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मैंने बताया भी है। साइन होता है 1/cosecant और कोसिकेंट होता है 1/sin। इसके अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए 4 जो बच गए कौन से, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोस, वो सारे क्या होते हैं इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव होते हैं। इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं? ऑल पॉजिटिव मतलब ए मीनिंग आफ्टर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पॉजिटिव का मतलब आफ्टर ए। एस साइन थीटा कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव मतलब एस से क्या हुआ स्कूल, टी का मतलब 2, टेंजेंट से क्या हुआ टी, टी मतलब 2, कॉस से क्या हुआ सी से क्या हुआ कॉस, सी से क्या हुआ कॉलेज। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, क्या करेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं बच्चों, क्या ए का मीनिंग एड, एस का मीनिंग शुगर, टी का मीनिंग ऑफ एड शुगर टू, सी का मीनिंग कॉफी। कैसे कर सकते हैं आप एड शुगर टू कॉफी, या फिर क्या कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने 10th क्लास तक को ही उसके अंदर लिमिटेशन में रखा, ताकि 10th वाले बच्चे पजल ना हो कि ट्रिग्नोमेट्री कहां तक है। बट जो बच्चे आगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इनकम टैक्स, कोई भी एग्जाम, बैंकिंग को छोड़कर, बैंक एग्जाम को छोड़कर बाकी लगभग सभी एग्जाम के अंदर वो जो पार्ट फर्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा उसको आगे भी समझ आ जाएगा, इसलिए आप उस पार्ट को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट की। ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर थीटा की जगह पर आप 1 डिग्री लिख दो फॉर एग्जाम्पल तो कितना हो जाएगा 89, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, कौन कौन से पार्ट पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव।
90 डिग्री जहां नजर आए आपको और 270 डिग्री जहां नजर आए, 90 डिग्री और 270 डिग्री जहां नजर आए आपको, वहां आपने क्या करना है, वहां आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट क्या कर देना है, चेंज कर देना है। साइन को क्या करना है, कॉस, कॉस को क्या करना है, साइन, टेंजेंट को क्या करना है, कोण, कोण को क्या करना है, टेंजेंट, ठीक है, और कोसेकेंट को क्या करना है, सेकेंट, सेकेंट को क्या करना है, कोसेकेंट, ठीक है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, ध्यान से इसके तरफ आपने लेके चलेंगे, देखिए जरा ध्यान से, ये गलती से एक फॉर्मूला मिस हो गया था, फॉर्मूला नंबर 42 है, यहां मैं बता दूंगा, आपने सिर्फ सीरियल वाइज फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। 1, 2, 3, 4, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज बताई थी, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे बनता है, आप लेक्चर देखेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंट थीटा, और सेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेकेंट थीटा। यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेंजेंट का कोट होगा, कोट का टेंजेंट, और कोस आगे कोसेकेंट का सेकेंट होगा, और सेकेंट का कोसेकेंट। 90 डिग्री के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करने हैं, 90 और 270 पर, और 180 और 360 पर चेंज नहीं करने। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है। आगे चलेंगे तो देखते हैं आगे क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अबे सॉरी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर मैं थीटा की जगह 1 डिग्री लिख देता हूं तो क्या हो गया, 91 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया सेकंड में, तो सेकंड के अंदर साइन क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, होता है पॉजिटिव या नहीं, इसका मतलब इस साइन को क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। एक चीज पे ध्यान रखना है, स्टूडेंट प्लस वन वाले प्लस टू वाले कंफ्यूज रहते हैं, प्लस टू के अंदर बच्चे चले जाते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, सेकंड में, तो आपने 90 डिग्री की वजह से साइन को क्या लिखना है, कोस लिखना है। तो बच्चे बोलते हैं, कई बार बच्चों के साथ मेरी डिस्कशन चलती है, साइन ये नजर आ रहा है ना यहां पर, तो इसकी वजह से चेंज होगा, ये साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर कॉस लिख देंगे। ये बात को समझे क्या, कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई चीज चल रही है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहां प्लस का ही आएगा, बट 90 डिग्री की वजह से क्या आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस होता है। आगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट ही चल रहा है, तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, क्या है कोस, नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए इसको क्या लिखा है, माइनस लिखा। ये जो माइनस लिखा जाता है वो इसकी वजह से होता है, कैच करना बात को, और 90 डिग्री की वजह से क्या लिखा जाता है, कोस को क्या लिखा जाता है, साइन में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 90 डिग्री की वजह से तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होगा, कोस का क्या होगा, साइन होगा, बट ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में कोस होता क्या है, कोस, कोस क्या होता है, नेगेटिव, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से नेगेटिव लिखा गया, और 90 की वजह से क्या आएगा, कोस की जगह क्या लिखा जाएगा यहां पर, साइन। आगे चलते हैं, टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, चल तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा ये, बट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है पॉजिटिव, सॉरी टेंजेंट होता है नेगेटिव, इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, माइनस, और ये जो 90 डिग्री है इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है, तो टेंजेंट को चेंज करके क्या लिखेंगे, कोट लिखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, टेंजेंट के बाद गलती से कोट रह गया था, वो मैंने यहां लिखा, वही बोल रहा था मैं,
कोण 90 डिग्री प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है? सेकंड में ही चल रहा है, तो सेकंड में चलेगा तो क्या आएगा, किसके अकॉर्डिंगली चलेंगे? कोण 90 डिग्री प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसका मतलब कोण क्या होगा? नेगेटिव, इसकी वजह से यहां पर लगाएंगे माइनस। और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट क्या होता है? चेंज होता है। क्या चेंज होगा? कोण का क्या लिखा जाएगा? टेंजेंट। उसके बाद बेटा दोबारा वापस यहीं आ जाते हैं, कोसेकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, वही क्वाड्रेंट चल रहा है, वही का वही क्या? सेकंड। सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर क्या नजर आ रहा है? कोसेकेंट पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव का साइन लिखा, नेगेटिव नहीं लिखा गया, बट 90 डिग्री की वजह से कोसेकेंट में क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं। cos 90 डिग्री आ जाए और 270 डिग्री आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज कर देते हैं, कोसेकेंट का क्या हो जाता है? सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या रहेगा? सेकंड 90 डिग्री प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है? सेकंड में ही चल रहा है, बट सेकंड के अंदर सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या है? साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्या होगा मेरे बेटा? सेकंड होगा नेगेटिव, इसलिए क्या लिखेंगे यहां? माइनस। बट 90 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करने का मतलब कि आपने सेकंड को क्या लिखना है? कोसेकेंट। कोसेकेंट को क्या लिखना है? सेकंड। टेंजेंट को क्या लिखना है? कोण। कोस को क्या लिखना है? साइन। साइन को क्या लिखना है? कोस। सेकंड को क्या लिखना है? कोसेकेंट। कोसेकेंट को क्या लिखना है? सेकंड। इस तरह आगे चलते हैं। पहले बात क्या आई? 90 माइनस में, फिर 90 प्लस में, अब आएगी बात हमारी 180 माइनस में। 180 माइनस में जाते हैं। अब 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है 180 माइनस? मान लो आप यहां पर थीटा की वैल्यूज 1 डिग्री लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 1 179। 179 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। इसका मतलब क्या है? जो साइन है अभी कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा? ये चलेगा सेकंड में। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होते, आप देख सकते हैं साइन का साइन ही है, कोस का कोस ही है। इसका मतलब क्या है? साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। और अब पता लगाना है कि प्लस लिखा जाएगा या माइनस लिखा जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब इसको प्लस के अंदर ही लिखा जाएगा। अब ये बात करते हैं कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा चल सेकंड में ही रहा है, क्या होगा? कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। इसका मतलब कोस क्या होगा? नेगेटिव, इसीलिए क्या लिखा गया? माइनस लिखा गया। बट 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता, इसीलिए कोस का कोस ही लिखा गया। अब बात करेंगे आगे टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी वही चीज बेटा, चल किस में रहा है? सेकंड में। सेकंड के अंदर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, बट 180 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब टेंजेंट का क्या रहेगा? टेंजेंट रहेगा। ये माइनस किस वजह से लगा? ये है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में टेंजेंट होता क्या है? साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो टेंजेंट क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए क्या कर देंगे? माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या आती है बात? कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट क्या है? पॉजिटिव, तो टेंजेंट क्या होगा? कॉट क्या होगा हमारे पास? कॉट क्या आ जाएगा? कॉट क्या आ जाता है बेटा? कॉट आ जाएगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसका मतलब टेंजेंट क्या रहेगा? नेगेटिव आ जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा कोसेकेंट की। कोसेकेंट की बात करेंगे, कोसेकेंट की बात करते हैं 180 डिग्री, कोसेकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट क्या होगा? क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव,
इसका मतलब क्या आएगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट आएगा। और 180 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता तो क्या लिखा जाएगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा आते हैं आगे हम सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, उसी में ही चल रहा है, उसके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो क्या आएगा हमारे पास, सीकेंट का सीकेंट ही लिखा जाएगा। क्यों, 180 डिग्री की वजह से। बट इस क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, मीनिंग क्या लिखा जाएगा यहां पर, माइनस लिख दिया जाएगा। आगे चलते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब हम क्या गए 90 माइनस 90 प्लस फिर 180 माइनस फिर 180 प्लस पे आते हैं। 180 प्लस का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा मिलेगा। आप थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 डिग्री एंगल भी लिख दे, मान लो 1 डिग्री एंगल लिखा तो किसमें चला जाएगा वो, 181 के अंदर चला जाएगा। और अगर 181 के अंदर गए तो 181 के अंदर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोण क्या होते हैं, टेंजेंट और कोण क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब साइन इस क्वाड्रेंट के अंदर चला गया तो टेंजेंट और कोण ही पॉजिटिव होंगे, मीनिंग साइन को क्या लिखोगे आप, माइनस के अंदर। और 180 डिग्री की वजह से साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन से वो साइन से कॉस में नहीं जाएंगे। आगे करते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा वही थर्ड क्वाड्रेंट ही चल रहा है, बट क्या टेंजेंट और कोण पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस क्या होगा, नेगेटिव, इसके लिए माइनस लिखा गया। और 180 डिग्री होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। आगे चलते हैं टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा वही चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही चल रहा है, क्या चल रहा है कि टेंजेंट क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्या टेंजेंट और कोण पॉजिटिव होते हैं, तो टेंजेंट को क्या लिखा गया, पॉजिटिव में ही लिखा गया। बट 180 डिग्री होने की वजह से टेंजेंट का क्या रहेगा, टेंजेंट ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट टेंजेंट से कोण में नहीं जाता, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहता है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, कोण 180 डिग्री प्लस थीटा, कोण 180 डिग्री प्लस थीटा वही बात सेम, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही चल रहा है बार बार, इतनी देर में आपको सारी चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी। और अगर आप आईआईटी के अंदर, अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन चल रहा है बीच में, मैं एक बार रोक रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये आपको आईआईटी लेवल, आईआईटी आईआईटी के अलावा आपको कॉम्पिटिशन लेवल में, आईआईटी के अलावा हर एक चीज को कवर करता है ये, तो मनी अगर आप इस चीज को कवर करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखिए टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, जैसे कि मैंने बताया कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, ये चल रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट शेप में आएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होगा, कोण थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा, इसलिए कोण का कोण आएगा। अब बात करेंगे हम कोसेकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेंजेंट और कोण ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट, माइनस 180 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं करना, कोसेकेंट का कोसेकेंट। नेक्स्ट सीकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, सीकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, इसी में ही चल रहे हैं, इसमें क्या है, टेंजेंट और कोण ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए क्या लिखा जाएगा, यहां माइनस लिखा जाएगा। और 180 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं करेंगे, सीकेंट को क्या लिखा जाएगा, सीकेंट ही लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, अब आगे बेटा साइन साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोण, यहां तक करने के बाद हम किस पे पहुंच गए, 270 पर पहुंच गए। आप देखिए पहले 90 माइनस की बात, फिर 90 प्लस की बात, फिर 180 माइनस की बात, अब क्या करेंगे, 180 प्लस की बात यहां तक हो गई, अब 270 माइनस की बात करेंगे। 270 माइनस का मतलब क्या है,
कि अगर थीटा की वैल्यूज अगर आप 1 डिग्री भी लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 270 - 1 269 कहां रहेगा आपके पास, इसी क्वाड्रेंट में रहेगा यानी कि थर्ड के अंदर ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट और कोण ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मीनिंग साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। एक तो माइनस लिखा जाएगा बट 270 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट क्या होता है, चेंज होता है। साइन का क्या लिखा जाएगा, कोस लिखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं कोस 270 डिग्री माइनस थीटा की। कोस 270 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड में ही चलेगा। थर्ड में चलेगा तो क्या होगा, थर्ड के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, टेंजेंट और कोण ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मीनिंग कोस क्या रहेगा, कोस से क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, 270 की वजह से। और कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, इसके लिए यहां पर माइनस लिख देंगे और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होगा तो कोस का क्या लिखा जाएगा, साइन। आगे चलते हैं, टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, वही बात, कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, थर्ड में। थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करने का मतलब टेंजेंट को क्या लिखोगे, कोण में 270 की वजह से। और अब देखो जरा कौन से क्वाड्रेंट में है, चल कौन से में रहा है, थर्ड में, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होगा, इसीलिए टेंजेंट को नेगेटिव नहीं लिखा गया। टेंजेंट 270 की वजह से कोट आया और साइन प्लस का ही रखा गया। आगे चलते हैं बेटा, कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिव ही चल रहा है। इसका मतलब कोट को क्या लिखेंगे, टेंजेंट। कोट को टेंजेंट क्यों लिखा जाएगा, 270 की वजह से। अगर 270 होगा, 90 होगा तो कोट का क्या होगा, टेंजेंट। प्लस माइनस लगाना है, यानी उसका पता किससे लगाया जाएगा कि कोट इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम कोसेकेंट 270 डिग्री माइनस थीटा, वही क्वाड्रेंट चल रहा है। क्वाड्रेंट जब चेंज होगा तो बताया जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, उसी में चल रहा है। क्या होगा, कोसेकेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, टेंजेंट और कोण ही पॉजिटिव है, मीनिंग टेंजेंट और कोण ही पॉजिटिव है। इसका मतलब कोसेकेंट क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए माइनस लिखा। और 270 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है तो कोसेकेंट को क्या लिखा जाएगा, सेकेंट लिखा। अब बात करते हैं हम आगे secant 270 डिग्री माइनस थीटा। secant 270 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में ही चल रहा है। थर्ड में चल रहा है तो थर्ड के अंदर टेंजेंट और कोण पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब secant क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस लिखा जाएगा। और 270 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है तो secant को क्या लिखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करेंगे तो secant का cosecant। अब नए पोर्शन से एक चीज स्टार्ट हो गई, फॉर्मूला नंबर 30 में 29 तक क्या हुआ, 270 माइनस तक हुआ, जैसे कि आपको बोला गया। अब आएगा 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा लेके चलेंगे, थीटा की जगह पर हम 1 डिग्री लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री लिखने का मतलब क्या है कि 271 हो जाएगा। 271 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 271 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव। इसकी वजह से देखा जाएगा माइनस आया, और अगर आपने साइन को कॉस में चेंज करना है नहीं करना है तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा, 270 पर। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूं 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होते हैं, इसका मीनिंग साइन को क्या लिखा जाएगा, कोस में लिखा जाएगा 270 की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं कोस 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में ही चल रहा है। फोर्थ में चल रहा है इसका मतलब क्या है, फोर्थ के अंदर कोस पॉजिटिव है, इसका मतलब कोस है यहां पर तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, प्लस ही लिखा जाएगा। 270 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज इन द सेंस मतलब कोस को क्या लिखते हैं, साइन में लिखते हैं। आगे चलते हैं टेंजेंट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेम कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, फोर्थ में ही चल रहा है। फोर्थ के अंदर क्या है,
टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव आएगा या नहीं, क्योंकि cos और secant पॉजिटिव है, तो टेंजेंट को क्या लिखा जाएगा, माइनस में, और 270 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होगा, टेंजेंट को क्या लिखा जाएगा, cot लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, cot 270 डिग्री प्लस थीटा, सेम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में ही चल रहा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cot क्या होगा, cos और secant क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो cot क्या होगा, नेगेटिव, cot नेगेटिव आएगा, और 270 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होगा, cot को क्या लिखा जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा। अब चलते हैं हम आगे, cosecant 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट ही, cosecant cos और secant ही पॉजिटिव होते हैं, तो cosecant क्या होगा, cosecant क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, इसलिए माइनस लिखा गया। 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करने का मतलब क्या होगा, cosecant क्या क्या होगा, secant आएगा। उसके बाद क्या बात करते हैं, secant 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखा जाएगा, बट सीकेंट 270 डिग्री प्लस थीटा के ऊपर 270 डिग्री आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है, मीनिंग सीकेंट को क्या लिखा जाएगा, कोसेकेंट लिखा जाएगा। अब यहां से चीज चेंज हो जाती है बेटा, अब आपके पास क्या चला गया है, 270 डिग्री प्लस थीटा भी चला गया, अब बात करते हैं हम 360 डिग्री माइनस थीटा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है, थीटा की जगह पर आप क्या लिख दें, 1 डिग्री लिख दें, मान लो कितना हो जाएगा, 359 माइनस करेंगे तो 359 इधर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर cos और secant ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो sin 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता, 180 आया तो sin के sin ही आया, cos का cos ही आया, tangent का tangent ही आया, 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं करेंगे, क्या लिखा जाएगा, साइन का साइन ही लिखा जाएगा, बट हमने क्या ध्यान देना है कि अगर 360 डिग्री माइनस है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन को क्या लिखेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, बट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा, cos और secant पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए साइन का क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन, cos 360 डिग्री माइनस थीटा वही क्वाड्रेंट चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट ही चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो एक cos है तो क्या लिखेंगे, cos ही लिखा जाएगा, पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, 360 डिग्री की वजह से cos का cos ही लिखा जाएगा, और प्लस लिख रहे हैं माइनस लिख रहे हैं उसका पता कैसे लगाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए प्लस का साइन लिखा। उसके बाद टेंजेंट 360 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा बेटा, इसी क्वाड्रेंट के अंदर cos और secant क्या होते हैं, पॉजिटिव है, इसका मतलब टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए माइनस लिखा गया। 360 डिग्री की वजह से चेक करना है कि टेंजेंट को चेंज किया जाएगा कि नहीं, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं करते। आगे क्या करेंगे, cot 360 डिग्री माइनस थीटा, cot 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये भी वही होगा, cos और secant ही पॉजिटिव होते हैं, तो मीनिंग क्या होगा, क्या रहेगा, माइनस का cot है, cosecant 360 डिग्री माइनस थीटा, cosecant क्या, cos और secant ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cosecant को क्या लिखा जाएगा, माइनस। 360 डिग्री की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होगा क्या, नहीं नहीं होता, cosecant का क्या लिखा जाएगा, cosecant ही लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम secant 360 डिग्री माइनस थीटा, secant 360 डिग्री माइनस थीटा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, फोर्थ में ही चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, cos और secant पॉजिटिव होंगे, इसका मीनिंग secant क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करना है या नहीं करना है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है कि 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है या नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, सीकेंट का सीकेंट ही लिखा जाएगा। आपके कुछ फॉर्मूलाज रह गए, वो इसके इस लेक्चर के बाद बताएंगे। हाँ जी बच्चों, इसके बाद एक कुछ थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट रह गया था, कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा मैं आपको, क्या चीज है लिख के बताया जाएगा, कुछ चीजें रह गई थी। फॉर्मूला नंबर 42 तक हमारा हो गया था,
एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, फर्स्ट में चले, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, दोबारा पहुंच गए। अब जैसे कि हम एक चीज देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अब आप देखिए जरा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हुआ बेटा, तो वापस यही आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप 1 डिग्री लिखते हो तो 360 से एक ऐड कर दिया ऊपर, तो यहां पहुंच गए। और यहां पर क्या नजर आ रहा है बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव। इसका मीनिंग साइन का क्या रहेगा, साइन ही होगा। क्यों होगा साइन, साइन का कोस क्यों नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताया है अभी थोड़ी देर पहले भी, कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता, तो 360 पर साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब सब पर क्या लिखा गया, प्लस ही लिखा गया, माइनस किसी पे नहीं लिखा गया। cos 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता, cos का cos ही रहेगा, tangent का tangent ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा, cosecant का cosecant ही रहेगा, secant का secant ही रहेगा। तो एक पोर्शन यहां खत्म होता है। खत्म करने से पहले मैं एक बार के लिए आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री आए तो नो चेंज। और जब चेंज होने होते हैं तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट टेंजेंट में। कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा आपस में चेंज होते हैं। ये कब होता है मेरा बेटा, 90 डिग्री और 270 डिग्री आता है। जैसे कि आपके पास 360 डिग्री लिखा नजर आ रहा है तो साइन को चेंज नहीं किया, साइन में ही रखा है, कोस को कोस में ही रखा है, टेंजेंट को टेंजेंट में, कोट को कोट में, कोसेकेंट को कोसेकेंट में, सीकेंट को सीकेंट, बिकॉज 180 डिग्री और 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहां से आपको इन चीजों को कवर करना है, बात को समझना है। यहां से हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक पार्ट और खत्म होता है। लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट नंबर सेकंड चल रहा है। जो स्टूडेंट्स आईआईटी के को कवर करना चाहते हैं, स्पेशली आईआईटी को कवर करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बीएससी के अंदर है, बीएससी के अंदर है, बीटेक के अंदर है, उनको ट्रिग्नोमेट्री सबसे जरूरी होता है। एक बात को दिमाग में आप सेट कर लें, ट्रिग्नोमेट्री जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अपना आईआईटी मेंस और एडवांस कवर नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है हमारा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। लगभग बीएससी, बीटेक, आईआईटी मेंस, एडवांस, सारा मैथ ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड है। तो बी केयरफुल, बी पॉजिटिव, ताकि आप इन चीजों को मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, जो मेरा मकसद है क्रैम नहीं करवाना, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, और कामयाब आप कैसे होंगे एक्सप्लेन करके। आप बच्चों को समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उस चीज को कवर कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई कमी है तो उसको हम पूरा कर दें। थैंक्स।